सब्सक्राइब कीजिए टेक ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। OnePlus ने लॉन्च कर दिया अपना तगड़ा मिड रेंज का स्मार्टफोन, नाम है OnePlus Nord। जी हाँ, काफी दिन से इंतजार था, इसके लीक्स आ रहे थे काफी ज्यादा। फाइनली कल रात में ये लॉन्च हुआ। लॉन्च इवेंट में काफी इसमें सराहना की गई स्मार्टफोन की, और इसका नाम है OnePlus Nord। OnePlus 8 Pro के बाद ये Nord आया है, और इसको मिड रेंज स्मार्टफोन कहते हैं हम, क्योंकि ये बजट किलर नहीं है और ये बजट सेगमेंट का भी स्मार्टफोन नहीं है, ये मिड रेंज का स्मार्टफोन है। इसकी कीमत शुरू हो रही है 25,000 रुपये से 6 GB रैम के वेरिएंट के साथ। इस वीडियो में इसके ऊपर पूरे अपने थॉट्स रखेंगे आपके सामने और बताएंगे कि ये स्मार्टफोन कितना बेहतर है और क्या हमें ये लेना चाहिए 25,000 रुपये की कीमत में या नहीं। आप देख रहे हैं टेक ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शाहजीब अशरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दिया है OnePlus ने, सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है, काफ़ी प्रीमियम स्क्रीन होती है OnePlus की। OnePlus का नाम ही काफ़ी है, एक ब्रांड नेम रखता है अपने पास, इसलिए जब भी स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा होता है उस टाइम काफ़ी होड़ मची होती है मार्केट में कि क्या रेट होगा क्या रेट होगा। तो डिस्प्ले इसमें दिया गया है 6.4 इंच का फ्लूइड डिस्प्ले है, 90Hz का यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ है, सोनी IMX586 का सेंसर दिया गया है 48 मेगापिक्सल के कैमरे के लिए। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है बुके मोड में फोटोज को लेने के लिए, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर कैमरा है। टोटल 4 कैमरे दिए OnePlus स्मार्टफोन में भी बैक पैनल पे, और वर्टिकल ये डिजाइन में है बैक पैनल के एकदम कॉर्नर पे। सोनी तो बेचारे अपना मोबाइल निकाल नहीं रहे हैं, तो अब उनके जो कैमरा के सेंसर हैं दूसरी कंपनियां यूज़ कर रही हैं, तो फ्रंट पैनल पे दिए हैं OnePlus ने 2 सेंसर के कैमराज। मेन कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का है सेल्फीज़ को लेने के लिए, IMX616 सेंसर के साथ है जो सोनी की तरफ से आता है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, वाइड आप सेल्फी लीजिए फ्रंट कैमरे से, तो 2 कैमरे फ्रंट पैनल पे भी दिए हैं। प्रोसेसर जी यहाँ पे खास दिया गया है स्नैपड्रैगन 765G, यहाँ पे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है। इसका एंटूटू बेंचमार्क भी काफ़ी ज़्यादा है, 3 लाख के अराउंड आपको एंटूटू बेंचमार्क दिया गया है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे पा सकते हैं स्मार्टफोन में, गेमिंग एक्सपीरियंस भी चाहते हैं वो भी मिल जाएगा भरपूर स्मार्टफोन में। 3 रैम वेरिएंट्स हैं इसमें, 6GB, 8GB और 12GB रैम के साथ ही आता है। 12GB में 256GB तक का आपको स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इन स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, फ्रंट पैनल पे आप दबाइए और स्क्रीन पे ही प्रेस कीजिए और फोन अनलॉक हो जाएगा। काम की बात पे आते हैं, बैटरी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैक्टर एक स्मार्टफोन में, बैटरी यहाँ पे है 4115 mAh की, और हमारे हिसाब से ये सभी के हिसाब से कम बैटरी है स्मार्टफोन की डिस्प्ले के हिसाब से। 90Hz का डिस्प्ले आप दे रहे हैं तो 5000 mAh की बैटरी तो दे सकते थे ना, 10,000 में मिल जाती 5000 mAh की बैटरी। खैर 4115 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग भी है, इसको नया नाम दिया है वॉप चार्ज, पहले डैश चार्जिंग चलता था तो वॉप चार्ज है। आधे घंटे में 70% तक की चार्जिंग का दावा करता है OnePlus, जो कि साबित भी हो जाती है। कुछ चीज़ें जो OnePlus जाना जाता है अपने लिए, उसमें ऑक्सीजन OS स्मार्टफोन में भी दिया है OnePlus ने, काफ़ी अच्छी बात है। 90Hz का डिस्प्ले भी दे रहे हैं वो भी बात ठीक है, और बैटरी हमारे हिसाब से कम है, ज़्यादा होनी चाहिए थी 5000 mAh की तो होनी चाहिए थी। गोरिल्ला ग्लास 5 का यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है वो भी बात ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसमें 3.5mm जैक नहीं है, 25,000 रुपये के मोबाइल में 3.5mm जैक नहीं दिया गया है। OnePlus के ईयरबड्स आप यूज़ कीजिए 4-5 हज़ार में, वो भी मिल जाएंगे आपको, जाइए खरीद लीजिए, 25,000 का मोबाइल है लेकिन 3.5mm जैक भी नहीं है, ये सोचने वाली बात है। एक लंबे तूफान से आने से पहले की खामोशी जो होती है वैसी खामोशी स्मार्टफोन के लिए भी थी। तूफान तो आया है, 25,000, 28,000 और 30,000 के रेट में आया है ये स्मार्टफोन लॉन्च किया OnePlus ने। इसको अगर आप मिड रेंज का नाम देना चाहते थे तो आपको 20,000 में मोबाइल देना चाहिए था आम जनता के लिए, क्योंकि 765G का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और 3.5mm जैक भी नहीं है, बैटरी भी कम है, तो इसका रेट 20,000 होना चाहिए था, तो आसानी से बिक जाता, OnePlus का नाम भी बना रहता और अच्छा हो जाता बल्कि हम कह सकते हैं। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 4-5 हज़ार रुपये कम कर सकते थे, 25-26 हज़ार में आप टॉप वेरिएंट ला सकते थे, जो अभी आपने 25,000 में 6GB का वेरिएंट दिया, 28 में 8GB दिया और 30,000 में 12GB का मॉडल सामने रखा। तो यही थे हमारे ओपिनियन, हमारे थॉट्स स्मार्टफोन को लेके OnePlus Nord के बारे में। आपके क्या विचार हैं स्मार्टफोन को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके अब हमारे साथ साझा करें अपने थॉट्स और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को। 4th August को ये स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है अमेजोन पे, जाकर के आप इसको खरीद सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा स्मार्टफोन का सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और स्मार्टफोन को चेकआउट कीजिए और अच्छा लगे तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। 4 अगस्त का इंतजार कर लीजिए, 12 बजे दोपहर को मिलेगा, अमेजोन पे जाकर के आराम से खरीद पाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक ये स्मार्टफोन नहीं।
नहीं होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, जिनको भी आप अपना अजीज समझते हैं। और मिलते हैं आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में कुछ और नई टेक्नोलॉजी टॉक्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।